ग्रंथ ले लो ना, ग्रंथ और भी बहुत है, सबके पास एक एक ग्रंथ हो। मोक्ष वर्ण प्रकाशक दूसरा अधिकार पेज नंबर 25, घातिया और अघातिया कर्मों की चर्चा अपनी चल रही है। कल अपन ने बात की थी कि घातिया कर्मों का क्या कार्य है, क्या काम है घातिया कर्मों का, उसकी परिभाषा क्या है। जीव के स्वभाव का घात करना, ये घातिया कर्मों का काम है। जैसे वहाँ जीव के स्वभाव ज्ञान और दर्शन है, तो ज्ञान और दर्शन को आवृत करना ये किसका काम है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण का। और जीव का जो स्वभाव है सत्य श्रद्धान, उसका घात करना अर्थात मिथ्या श्रद्धान, और जो उसका स्वभाव नहीं है ऐसे क्रोध मान माया लोभ रूप, उस रूप प्रणमन करना, ये मोहनी कर्म के उदय का कार्य है। मोहनी कर्म के दो काम, एक सत्य श्रद्धान से विपरीत प्रणमन होना मिथ्या श्रद्धान, और दूसरा मोहनी कर्म का काम कषाय रूप माने क्रोध मान माया लोभ। दो काम है उसके, दो बेटे हैं उसके, इनके नाम क्या है, दर्शन मोहनी और चायत्र मोहनी। दर्शन मोहनी का काम अतत्व श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान, और चायत्र मोहनी का काम कषाय। दो ध्यान, मिथ्यात्व और कषाय, मोहनी के दो ही बेटे हैं, मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व के उदय से विपरीत श्रद्धान होता है, और कषाय के उदय से कषाय रूप प्रणमन होता है। अंतराय के उदय से क्या होता है, चाहा हुआ नहीं होता है। जीव की जो शक्ति है वो प्रकट नहीं होती है, जो उसकी दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर है वो उसकी प्रकट नहीं होती है, ये अंतराय कर्म के उदय से होता है। फिर अपन ने चार अघातिया कर्मों की बात की थी। चार अघाती कर्म से क्या होता है, चार अघाती कर्मों के उदय से जीव को बाह्य सामग्री का संयोग होता है। इसका ये कायम फलता है अघाती कर्म, अघाती कर्म का फल कायम आता है शरीर में, घातिया कर्म का फल आत्मा में, और अघातिया का फल शरीर में। शरीर के शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली हमने बाह्य सामग्री का संयोग अघाती कर्म के उदय से बनता है। बाह्य बाहर, बाह्य बाहरी जो सामग्री है साता वेदनी के उदय से, बाहरी सामग्री सुख दुख रूप इस जीव को उसका संयोग बनता है। ऊंचे नीचे कुल उसका संयोग बनता है। प्राप्त शरीर में कितने समय तक रहना, जितने समय तक आयु का उदय है उतने समय तक वो शरीर को छोड़ के नहीं जा सकता। नाम कर्म के उदय से गति जाति शरीर आदि की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से इसका जो भी काम है वो देह में आता है। शरीर में रोके रखना मतलब उतने समय तक वो शरीर की प्राप्ति होना, शरीर का निर्माण होना, ऊंचा नीचा कुल मिलना, कुल का संबंध शरीर से, भाई शरीर ऐसी जगह उत्पन्न हुआ ना जहाँ अच्छे संस्कार है, और अंत में वेदनी के उदय से बाह्य सुख दुख सामग्री का संयोग मिलना, ये सब काम अघाती कर्म का है। इस प्रकार अब देखो इसमें मूल बात कही है इन्होंने, इस प्रकार अघाती कर्मों में अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। क्या अघाती कर्म का काम तो इतना ही है कि उससे बाह्य सामग्री इकट्ठी हो जाएगी, बाकी वो सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है बाह्य सामग्री। उसके द्वारा मोह के उदय का सहकार होगा तो जीव सुखी दुखी होगा, यदि मोह के उदय का सहकारी बना नहीं होगा तो जीव सुखी और दुखी नहीं होगा। माने मोह के उदय के साथ वो वेदनी कर्म जीव को सुखी दुखी करने में निमित्त होता है, बिना मोह के वो सामग्री जीव को सुखी दुखी करने में निमित्त नहीं होती। यदि बिना मोह के भी उसका बिना मोह के भी यदि वो जीव को सुखी करे तो भगवान जिनेंद्र को भी तीन छत्र लगे हैं,
सिंहासन है, भामंडल है, खूब मजा आया उनको। साता वेदनी के उदय से मिले ना सब, भामंडल काय के उदय से, साता वेदनी के उदय से। तीन छत चमर ढोरे हैं, 64 देव, अशोक वृक्ष है, सिंहासन है, सब है। काय के उदय से ये सब किसका काल है? साता वेदनी के उदय का काल है। लेकिन मोह का उदय नहीं है तो भगवान उसके निमित्त से सुखी नहीं होते। भगवान तो अनंत सुखी, अपने अतीन्द्रिय सुख से सुखी है, आत्मिक सुख से सुखी है, वो छत से सुखी नहीं है। भगवान को उदय होता है साता वेदनी का, साता का उदय है, 14वें गुणस्थान तक उदय है। साता का भी उदय है और असाता का भी उदय है, लेकिन वो साता के सामने असाता बूंद माफी के। एक काल में एक ही उदय रहेगा, लेकिन दोनों की सत्ता है 14वें गुणस्थान तक। हाँ, 14वें गुणस्थान तक दोनों की सत्ता है। वो 14वें गुणस्थान में भी उदय माना है। वही तो कल अपन ने बताया था कि वो उदय क्या है, समुद्र में बूंद माफी उसकी सत्ता बतलाने के लिए कहा। उसका कोई कार्य नहीं है, जैसे 9वें गुणस्थान में वेद का उदय है मुनिराज के, उसका कार्य नहीं है। उदय तो है उसका, लेकिन वहां तो फिर भी चलो सूक्ष्म परिणामों की संभाव, मतलब अबुद्धिगम में सूक्ष्म परिणाम है उसके उदय से, लेकिन यहाँ तो कोई कार्य नहीं है उसका, क्योंकि साता वेदनी का जो उदय है वो समुद्र के समान है और असाता का उदय उसमें बूंद के समान है, इसलिए वो अपना काम करने में कुछ समर्थ नहीं, जली हुई रस्सी के समान। इसी से तो सब मानते हैं लोग, भूख लगना, उनको रोग होना, ये सब चीजें उसी से बनी है। नहीं कोई बीज नहीं हो तो इतना बड़ा वृक्ष खड़ा नहीं करना, नहीं हो के अंदर दिया 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान तक उदय बताया उसका सिद्धांत पढ़ना, उसमें दोनों चीजें। इसमें जो 85 प्रकृति है ना, तो 85 प्रकृति में केवल 47 और 16 63 माइनस हुई, तो वो जो 63 माइनस हुई है 47 तो घातिया कर्म की गई, और बाकी जो 16 है तो नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंज गति, गत्यानुपूर्वी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सूक्ष्म, साधारण, स्थावर, आतप, उद्योत, कितनी हुई है, नीच गोत्र, ऐसे 16 प्रकृति गई है अगाती की। तो ये साता साता दोनों है वहां, अभी गई नहीं हो। और तो और उसका उदय बताया है, वो सत्ता में वहां तक तो ठीक है, उसका उदय है वहां, बोलो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये इससे पूरा श्वेतांबर मत का जो एक पाया है वो इस पे खड़ा है। क्या? क्योंकि ये चीज अपने मिली है लिखी हुई, और उनका भी मूल तो शुरू में दोनों जब वो तो सिद्धांत तो कोई किसी के द्वारा बदले जा सकते नहीं। जो कर्णान योग के सिद्धांत है वो तो एक समान, कर्मों की सत्ता, बंध, उदय, सब चीजें। तो अघाती कर्मों के असाता वेदनी का उदय बताया, अब असाता वेदनी का उदय है तो उससे कुछ काम होना चाहिए, तो ऐसा लगा के उन्होंने अपनी बुद्धि से जीता है। हाँ, तो पाप प्रकृति का उदय है वहां पे अघाती कर्म, इसलिए तो कह रहे हैं यहाँ पे कि मोह कर्म का साहूकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। वहां क्या पाप और क्या पुण्य, क्या ये जो छत्र चमर वगैरह के लगे हुए हैं भगवान के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। ये हम अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं कि उनके तीन छत्र है, भामंडल है, सिंहासन है, प्रातिहार्य है, सब भाई उनके लिए उस चीज का कोई महत्व नहीं है। इसलिए बात कही उन्होंने कि मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। वेदनीय शेषा सूत्र तत्वार सूत्र है कि ये जो 11 परिषय है वो वेदनी कर्म के उदय से, तो रोग साता वेदनी के उदय से होगी क्या? साता वेदनी रोग, तृण स्पर्श, ये सब बहुत सारी परिषय गई। असाता वेदनी का उदय नहीं माना तो परिषय सिद्ध नहीं होगी। और वो तो कह रहा बंद उदय, उदय विच्छुत्ति जिसको याद होगी रटी हुई हो, बंद विच्छुत्ति कितनी होगी, कितनी प्रकृति की कहाँ होती है, उदय विच्छुत्ति कहाँ होती है, सत्य विच्छुत्ति कहाँ होती है, सारा पूरा गणित है इसका।
कौन सी प्रकृति की विच्छुत्ति किस गुण स्थान में होती है, बंद विच्छुत्ति, कौन सी प्रकृति की उदय विच्छुत्ति, कौन सी प्रकृति की सत्य विच्छुत्ति, तीनों चलती है, मतलब वो विच्छिन्न कहाँ से होती है, उसके ऊपर के गुणस्थानों में उसका बंद नहीं पाया जाएगा, उसके ऊपर के गुणस्थानों में उसका जिनकी उदय विच्छुत्ति होगी उनका उदय नहीं पाया जाएगा, और जिनकी सत्ता से विच्छुत्ति हो जाएगी उनकी ऊपर के गुणस्थानों में उसका सत्ता नहीं पाई जाएगी। पढ़ेंगे जब भी गुणस्थान पढ़ेंगे, तीन चीजें पढ़ेंगे अपन, बंद उदय और सत्य, इन सब कर्म प्रकृति पे घटाएंगे। पहले कर्म तो समझ में आ जाए कर्म क्या है, फिर उसका बंद उदय सत्य समझ में आएगा। तो खैर यहाँ तो सिद्धांत की बात करें कि आघाती कर्मों से बाहर सामग्री एकत्रित होती है और उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। मोह का सहकार होने पर, ये मेन पॉइंट है, मोह का सहकार नहीं है तो वो कोई सुख दुख का कारण नहीं है, छत्र हो चाहे भामंडल हो चाहे कुछ भी हो, वो जीव को सुख दुख में कारण नहीं है। माने आघाती कर्म अपने आप में सुख दुख का कारण नहीं है, आघाती कर्म की ताकत केवल मोह के साथ है, बिना मोह के आघाती कर्म की कोई ताकत नहीं, सुखी दुखी नहीं करते जीव है। जीव यदि मोह करेगा, मोह रूप परिणाम, हाँ मोह परिणाम करेगा, उसमें राग द्वेष करेगा तो वो सुख दुख के कारण बनेंगे, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करेगा, राग द्वेष नहीं करेगा तो बाह्य सामग्री मात्र सुख दुख की दाता नहीं, बाह्य सामग्री तो मोह के उदय होने पर सुख दुख की निमित्त बनती है, सुख दुख की कारण होती है। और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्वार्थ को नहीं करते, शरीर मिला शरीर का संबंध हुआ, कर्म का उदय की बात सर बात करें ना, कर्म के उदय से जीव के परिणाम हुए, जीव मोही हुआ तब वो सुख दुख सुखी दुखी हुआ, यदि मोह परिणाम नहीं होता तो सुखी दुखी नहीं होता। और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्व आदि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते, माने शरीर का संबंध हुआ ना आघाती कर्मों के निमित्त से, शरीर मिला कि नहीं मिला, किसके निमित्त से मिला है, मनुष्य आयु, मनुष्य शरीर, औदानिक शरीर, पंचेंद्री, पांच इंद्रियां जो द्रव इंद्रियां हैं, शरीर का आकार, शरीर की हड्डियां वगैरह की रचना, निर्माण, बंधन, ये सब काय के उदय से मिला, आघाती कर्मों के उदय से, नाम कर्म के उदय से। तो नाम कर्म के उदय से जो शरीर का संयोग हुआ तो उसके कारण से जीव का क्या घात हुआ कि जीव के जो अमूर्तत्वादि स्वभाव है, अमूर्तिकपना, वो अपने स्व अर्थ को नहीं धरते, अपने अर्थ को नहीं धरते मतलब कि वो अपने रूप में प्रकट नहीं होते, अमूर्तिकपना प्रकट नहीं होता, अवगानत्व, एक आत्मा अनंत जीवों को स्थान देवे, ये धर्म जब तक वो शरीर के संसर्ग में है तब तक वो धर्म की व्यक्तता नहीं होती, वो धर्म प्रकट नहीं होता। अगुरु लघुत्व, न छोटा पना न बड़ा पना, तो अगुरु लघुत्व पना उसका प्रकट नहीं होता कब तक, जब तक वो शरीर के संसर्ग में, माने शरीर के संबंध से जो जीव के निज गुण हैं, अमूर्तत्व, अवगानत्व, अगुरु लघुत्व, अव्यावादत्व, वे प्रकट नहीं होते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तो आत्मा तो अमूर्तिक है लेकिन शरीर के संबंध से मूर्तिक हो रहा है, इसलिए उसका अमूर्तिक स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है। कैसे मूर्तिक हो रहा है कि अभी शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ में आ जाए, तो कायदे से तो ये है कि आत्मा पकड़ में आना ही नहीं चाहिए क्योंकि वह अमूर्तिक है, अमूर्तिक किसी के द्वारा पकड़ा जाता नहीं, स्पर्श ही नहीं किया जा सकता, लेकिन शरीर के निमित्त से वो स्पर्श रूप हो रहा है, स्पर्श रूप माने वो तो स्वयं अमूर्तिक ही है लेकिन वो शरीर के संसर्ग से वो भी पकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है मैंने उसको भी उपचार से अपन क्या कहते हैं, मूर्ति हो रहा है देह के संसर्ग, देह मूर्ति के, देह के संसर्ग से वही मूर्ति हो रहा है अवस्था में, शरीर रहित अवस्था में रहे तो उसका जो अमूर्तिक स्वभाव है वो प्रकट हो। तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके, ऐसा इन आघाती कर्मों का निमित्त जान। क्या जब तक उस कर्म का साता का उदय है बाह्य सामग्री वैसी बनी रहे, मैंने उसका काम केवल सामग्री को टिकाए रख, सामग्री का संयोग कराना, ये आघाती कर्म का काम है। उस सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी होना वो मोह के उदय में जी होता है,
मोर रूप प्रणाम करता है तो सुख दुख स्वयं होता है। वो सामग्री अगाधी कर्म का काम है, सामग्री का संयोग बनाए रखना है, उससे ज्यादा उसका काम सुखी दुखी करना जीव को नहीं, उसकी उसकी मर्यादा इतनी है। अब यहाँ आगे प्रश्न किया बहुत बढ़िया, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। प्रश्न किया कि भाई कर्म तो निर्बल है, अचेतन है, जड़ है, तो जड़ कर्मों से जीव के स्वभाव का घात कैसे हो जाए? चेतन जीव के ज्ञान दर्शन स्वभाव को घात कर दे, अचेतन जड़ वस्तु, जड़ वस्तु इतना बड़ा चेतन जीव और उसके ज्ञान दर्शन स्वभाव को प्रकट न होने दे, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन का घात कर दे, अनंत सुख का घात कर दे, तो ये बात हमें समझ में नहीं आती कि जड़ से चेतन के स्वभाव का घात कैसे संभव है, एक प्रश्न। दूसरा कि जड़ के निमित्त से बाह्य सामग्री कैसे मिलेगी? कर्म तो कोई जानते नहीं, खुद तो कुछ भी, वो कर्म कैसे बाह्य सामग्री मिलवाती? कर्म को कुछ ज्ञान हो कि अरे अब अपना उदय आ रहा है, फटाफट काम करो, तो फटाफट दौड़ दौड़ के वो सामग्री उपस्थित कर दे, लेकिन कर्म तो अचेतन है, तो वो बाह्य सामग्री का संयोग कैसे कराता है? ऐसे ही वो चेतन जीव के स्वभाव का घात कैसे करता? ये दो प्रश्न किए यहाँ पे। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात कैसे है और बाह्य सामग्री का संयोग कैसे है? देखो यहाँ कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, कौन से कर्म? आठों कर्म, द्रव्य कर्म, जड़ है, अचेतन है, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, उद्गल है ना, उनको अचेतन उद्गल है, कुछ बलवान नहीं है, उनमें क्या ताकत? ताकत तो जीव में है, ज्ञान दर्शन रूप चेतना जो है वो जीव के अंदर है, कर्मों में तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, अचेतन है, निर्बल है, बलवान नहीं है, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? अचेतन चेतन के स्वभाव का घात करे और सामग्री को मिलाए कैसे संभव? उसका समाधान, यदि कर्म स्वयं करता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म को चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए, सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बात सही है तुम्हारी जो तुमने कहा, यदि कर्म खुद करता होकर, खुद करता माने स्वतंत्र करता होकर, स्वतंत्र पने से वो जीव के स्वभाव का घात कर दे या सामग्री को मिलाए, तो बराबर कर्म को चेतन बनानी चाहिए, कर्म चेतन कहलाएंगे और बलवान बनानी चाहिए, तो वो बात तो नहीं है, वो तो बराबर है, जो प्रश्न है वो तो बराबर है तुम्हारा, प्रश्न गलत नहीं किया। क्या प्रश्न में कहा ना उसने कि कर्म अचेतन है, जड़ है, निर्बल है, तो उन्होंने उसी की बात की पुष्टि की कि बात तो सही है, कर्म तो अचेतन जड़ ही है, और अब तुमने कहा कि वो कैसे करता है, तो हम कह रहे हैं कि वो करे, मतलब वो स्वयं करता होकर करे और सामग्री को मिलाए, तो उसको बराबर चाहिए, दोनों चाहिए, बलवान भी बना चाहिए और चेतन बना भी चाहिए, लेकिन वो न चेतन होके वो काम कर रहा है न बलवान होके काम कर रहा है, तो कैसे हो रहा है? सहज ही निमित्त निमित्तिक संबंध है। देखो इसका अगली लाइन, अगली पंक्ति में क्लियर किया, जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप प्रणमन नहीं करता, विभाव रूप प्रणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर प्रणमित होते हैं। मतलब बात तो सही, देखो कर्म यदि करता होके करे तो उसको बलवान बनना चाहिए, लेकिन कर्म करता नहीं है, क्या कर्म स्वयं बुद्धिपूर्वक जीव के स्वभाव का घात करे, सामग्री को मिलाए, तो कर्म को बलवान बनानी चाहिए और चेतन बनानी चाहिए, लेकिन कर्म बुद्धिपूर्वक न जीव के स्वभाव का घात करता है
और न कर्म बुद्धिपूर्वक सामग्री को मिलाता है। तो फिर क्या है, ये निमित्त निमित्तिक संबंध है। अभी क्या है निमित्त निमित्तिक संबंध, इसको एक उदाहरण देकर उन्होंने खुद ने समझाया, एक शब्द लिया उन्होंने यहां, क्या निमित्त निमित्तिक संबंध, क्या है निमित्त निमित्तिक संबंध, देखो निमित्तिक निमित्त निमित्तिक उपादान उपादेय से दो प्रकार के संबंध होते हैं। तो निमित्तिक तो कहलाता है निमित्तिक कार्य, जब कोई कार्य हुआ तो उस कार्य को निमित्त की मुख्यता से कहा जाए तो अपन क्या कहेंगे, निमित्तिक कार्य हुआ क्या, और वो किसकी मुख्यता से कहा अपन ने, निमित्त की मुख्यता से। तो निमित्त की मुख्यता निमित्तिक वो कार्य, और उपादान और उपादेय, तो उपादेय हुआ कार्य, उपादान की मुख्यता से कहा तो उपादान तो है, उपादेय कार्य है और उपादान उसका करता है। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी है, मिट्टी तो कुम्हार का योग और उपयोग वो है निमित्त, और मिट्टी का घड़ा बनना वो क्या है कार्य, घड़ा रूप कार्य, घड़ा काम हुआ ना। अब घड़े रूप कार्य को यदि अपन कुम्हार की तरफ से कहेंगे तो कुम्हार का योग और उपयोग था निमित्त काय में, घड़े बनने में, कुम्हार खुद नहीं। यदि कुम्हार को निमित्त मानो तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आती कि कुम्हार तो मिट्टी के ढेर में बैठा है, उसके घर के अंदर रात को पूरी मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है, सब चीज़ें भी पड़ी हुई है। अगर यदि कुम्हार को निमित्त कारण मानो तो नित्य घड़े बनने का प्रसंग आएगा, रात को सोया है तो भी घड़े बनते जाएंगे। सो तो बनता नहीं है, इसलिए कुम्हार की वो पर्याय ली कौन सी, योग और उपयोग रूप पर्याय। कुमार की अवस्था कौन सी, योग और उपयोग, योग माने हाथ पैर चलाने का व्यापार जो घड़ा चला बढ़ने के अनुकूल है, और वो बनाने की घड़ा बनाने की इच्छा, तो बड़ा घड़ा बनाने की इच्छा हुई उसका उपयोग, और घड़ा बनाने के अनुकूल जो हाथ पैर चलाने की जो क्रिया है उसका नाम है योग। तो वो जो कुमार का योग और उपयोग है वो कुमार की अवस्था है, कुमार का द्रव्य नहीं है वो, कुमार की क्या है वो पर्याय है। और मिट्टी की घड़े रूप पर्याय, तो मिट्टी की घड़े रूप पर्याय का निमित्त निमित्तिक संबंध काय के साथ में है, कुमार की योग और उपयोग रूप पर्याय के साथ में। माने कुमार का योग और उपयोग उस घड़े का क्या है निमित्त करता है, कुमार नहीं करता, कुमार का भी योग और उपयोग, और वो भी काय का करता है निमित्त निमित्तिक संबंध, माने वो उसका निमित्त करता भले ही कहा जाए, वो उपादान करता नहीं, उपादान करता कौन है उसके अंदर, वो मिट्टी स्वयं है। तो मिट्टी की तरफ से कहेंगे तो मिट्टी ने घड़े रूप पर्याय को किया है, और कुमार की तरफ से कहेंगे तो कुमार ने निमित्त और कुमार ने घड़े को किया है। तो कुमार और घड़े की पर्याय में नहीं है निमित्त निमित्तिक संबंध है, और मिट्टी और घड़े में कौन सा संबंध है, उपादान उपादेय संबंध। अब किसकी मुख्यता से कहना ये बात है, अब असली कर्ता किसको कहा जाता है, देखो कर्ता का जो नियम है, कर्ता माने जो जिसमें व्याप्य हो तो वो कर्ता कर्म भाव बनता है, माने उससे तन्मय हो जाए वो उसमें। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी पूरी घड़े में क्या है तन्मय है, व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है, इसलिए मिट्टी को घड़े का कर्ता कहा जाता है। कुमार उसमें व्याप्त नहीं होता है, कुमार मिट्टी के घड़े में व्याप्त नहीं है, कुमार अपने योग उपयोग में व्याप्त है, अपनी पर्याय में व्याप्त है, लेकिन कुमार उसमें व्याप्त नहीं होता। तो व्याप्त नहीं होता इसलिए उस कुमार को उसका कर्ता नहीं कहा जाता। वो जो कर्ता कर्म का निषेध है वो व्याप्त व्यापक भाव की अपेक्षा है, कि व्याप्ता नहीं है उसमें तन्मय नहीं होता इसलिए वो उसको कर्ता नहीं है। जो उसमें तन्मय हुआ है, जो उसमें व्याप्त हुई है, वो मिट्टी उस घड़े की कर्ता है। सर्वस्व किसने दिया है, अपना सारा सर्वस्व किसने बदला, वो मिट्टी ने बदला। कुमार ने क्या बदला, कुमार तो वहीं का वहीं है, कुमार ने अपनी ज्ञान पर्याय की, योग और उपयोग किया, तो कुमार अपने योग उपयोग का करता है। क्या जो जो कुछ कीमत मिलेगी ना अपने को उसकी घड़े की, वो घड़े की कीमत अपने को मिट्टी के आधार में मिलेगी, और वो घड़ा मतलब जिस चीज का होगा, यदि वो मिट्टी का है तो मिट्टी की कीमत मिलेगी, यदि वो सोने चांदी का है तो सोने चांदी की कीमत मिलेगी। मैंने जो उसमें जो सर्वस्व जिसने दिया है, सर्वस्व अपना न्योछावर किया है, जो पिंड रूप से जो घड़े रूप पर्याय हुई है, वास्तविक करता तो वो है, उपादान रूप से करता,
और कुमार को अपन क्या कहते हैं, निमित्त रूप से करता है उसे। अब ये समझ ले व्यक्ति निमित्त निमित्तिक संबंध क्या है, उपादान उपादेय क्या है, तो वही यहाँ ये कर्म की समझ में आए बात की क्या है। तो ऐसे ये जो कर्म है, कर्म का और जीव का निमित्त निमित्तिक संबंध है। निमित्त निमित्तिक संबंध कैसे, कि जब कर्म का उदय काल आएगा तो आत्मा स्वयं विभाव रूप प्रणमन करेगा। क्या वो आत्मा विभाव रूप प्रणमन करता है, ये तो जीव के स्वभाव घात हुआ। और जो अन्य सामग्री है वो स्वयं में उसका संयोग होता है, वो अन्य सामग्री भी वैसी प्रणमन करती है, तो उसको कर्म के ऊपर अपन उसको क्या करते हैं, उसका आरोप देते हैं कि कर्म ने काम किया। देखो पढ़ते अपन इसके अंदर। हाँ, तो अभी चेतन चेतन में जो मैं करता कहा जाऊंगा, तो मैं जिसमें मैं व्याप्त होता हूँ, जिसमें मैं तन्मय हूँ, मैं उसमें करता हूँ। तो मैं अपनी पर्याय में तन्मय हूँ, अपनी पर्याय में व्याप्त हूँ। जैसे पढ़ा रहे अभी, तो पढ़ाने की जो इच्छा है और पढ़ाने का जो योग है उसका करता मैं हूँ। बाकी पढ़ने वाले का जो ज्ञान है, मतलब वो खुद समझ रहा है, वो उसका करता है। जो 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 आदमी स्वयं अपने आप से समझ रहा है, तो अपनी समझ का करता वो स्वयं है। टीचर पढ़ाने की इच्छा कर सकता है, पढ़ाने के अनुकूल अपने योग को कर सकता है, मन वचन काय का परिस्पंदन कर सकता है, उस रूप अपने व्यापार को कर सकता है, और तो और भाव कर सकता है। लेकिन उसके भाव के कारण सामने वाला समझ जाएगा नहीं है, क्योंकि वो काम एक ही कर रहा है, एक ही टीचर पढ़ाता है, और एक ही टीचर के पढ़ाने पर भी कोई आदमी तो पास होता है और कोई पास नहीं होता। एक फर्स्ट आता है क्लास में और एक फर्स्ट क्लास में लास्ट आता है, क्योंकि वो स्वयं का अपना काम होता है ना। है नहीं, निमित्त निमित्तिक संबंध तो बना ना, क्यों नहीं बना? वही तो मैंने कहा, निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसे बना कि उसने पढ़ाया तो उसको निमित्त कहा गया। बस काम तो किया उसने खुद ने, जो पढ़ा ना, तो उसने पढ़ा तो अपने काम अपने अंदर किया, तो वो पढ़ने के अंदर निमित्त उसको कहा गया कि भैया टीचर की जो शिक्षा है वो निमित्त बनी उसको। और फेल हुआ तो फेल होने में वो निमित्त बना कि ये इसने मेरे को नहीं पढ़ाया, ये फेल होने में निमित्त बना। देखो जो जो टीचर होते हैं ना, एक ही टीचर को जो माँ बाप पास होते हैं, वो माँ बाप उसको पास का कर्ता बताते हैं, और वो फेल होते हैं तो फेल का कर्ता भी उसी टीचर को बताते हैं। तो ये अपन उस पर परद्रव का आरोप देते हैं ना, वो जो वस्तु की जो मूल शक्ति है, उस वस्तु की मूल शक्ति को नहीं देखते। तो वो कहते हैं वस्तु की मूल शक्ति को देखो, मूल शक्ति ने काम किया। यदि वस्तु की मूल शक्ति नहीं होती तो कार्य निमित्त एक शरीर का होने पर भी एक सा कार्य होना चाहिए ना। एक सा कार्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वस्तु की शक्ति अपनी अपनी स्वतंत्र परिणमने की योग्यता थी। यदि उससे काम होता ही होता, तो उससे काम होने पर सबका कार्य एक सा होना चाहिए। भगवान की दिव्यध्वनि सुनते, लेकिन भगवान की दिव्यध्वनि सुनने पर भी किसी को भगवान की दिव्यध्वनि के विरोध का भाव आता है, और किसी को भगवान की दिव्यध्वनि सुन के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। देखो इसमें दिया ना, पढ़ते हैं इसके अंदर। अभी एक पैराग्राफ और बचा है मेरा, वो एक पैराग्राफ से वो क्लियर आएगी बात समझ। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप प्रणमन नहीं करता, विभाव रूप प्रणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य है वे वैसे ही संबंध रूप होकर प्रणमित होते हैं। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी हुई, उससे वह पुरुष पागल हुआ। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवान पना भी नहीं था, परंतु पागल पना उस मोहन धूल ही से हुआ देखते हैं। वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ प्रणमित होता है, ऐसा ही निमित्त निमित्तिक बन रहा है। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वह रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बलजगरी करके अलग नहीं किए, और दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं है, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त निमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त निमित्तिक भाव जानना, इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। दो तीन उदाहरण दिए उन्होंने, दो उदाहरण दिए आपको, मैं एक तीसरा एक और उदाहरण देता हूँ। कोई आदमी शराब पीने से पागल होता है, शराब पीने से पागल हुआ, तो शराब ने उसको पागल किया कि वो व्यक्ति स्वयं पागल हुआ? यदि
शराब किसी को पागल करे, शराब में ताकत हो कि वो नशा उत्पन्न करे, तो वो शराब जिस गिलास में रखी है वो उस गिलास को भी पागल कर दे। लेकिन जो पागल होता है स्वयं, तो आरोप किस पे आता है? शराब पे। यदि उसमें खुद में ताकत हो तो वो कर दे, गिलास को पागल कर दे। दूसरा एक चीज और है कि शराब जो है कोई अरती भाव से पीता है तो उसको नशा नहीं चढ़ता। शराब भी रति भाव से पीने वाले को चढ़ती नशा उसका। तो वो शराब जो है जिस पे नशा चढ़ा है उसके लिए वो निमित्त कहलाई, वो स्वयं बलजबरी से नहीं करती है। लेकिन जो स्वयं शराब पी के मोहित होता है तो उसके लिए शराब निमित्त कही जाती है। जैसे किसी आदमी के सिर पे मोहन धूल रखी, ये दूसरा उदाहरण। तो मोहन धूल ने पागल नहीं किया। यदि मोहन धूल पागल करे तो मोहन धूल को बलवान बनानी चाहिए और चेतन बनानी चाहिए। लेकिन मोहन धूल के निमित्त से पागल हुआ देखते हैं। जो पागल हुआ, जो पागल होता है उसके लिए मोहन धूल निमित्त कही जाती है। ऐसे जो नशा जिसको उत्पन्न होता है शराब, उसके लिए निमित्त कही जाती है। तीसरा उदाहरण यह दिया कि जैसे सूर्य का उदय हुआ, चकवा चकवी का क्या हुआ? संयोग हो गया। तो सूर्य ने कोई सोच के उनका संयोग मिलाया नहीं, चंद्रमा ने कोई सोच के उन दोनों को अलग किया नहीं। लेकिन ऐसे ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इधर उसका मिलना होता है और इधर उसका उगना होता है, इधर उसका चंद्रमा का उगना होता है और इधर उनका बिछुड़ना होता है। लोक में ऐसे घने निमित्त नैमित्तिक बन रहे हैं। अब इस धर्म निमित्त निमित्त की व्यवस्था में इतना ही है कि वो उसके अंदर व्याप्त नहीं होता, वो उसमें तन्मय नहीं होता, और तन्मय नहीं होता इसलिए कहते हैं कि वो उसका कर्ता नहीं होता। क्या यदि वो उसमें तन्मय हो जाए, उस रूप से व्याप्त हो, तो उसका कर्ता कहा जाए? बाकी उसको कर्ता नहीं कहा जा सकता, वो केवल उस समय में उपस्थित है, उसकी उपस्थिति मात्र है। निमित्त की परिभाषा यही दी है कि जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पे दिया जा सके, वो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमा। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमता है वो कहलाता है उपादान। मिट्टी घड़े रूप परिणमी, मिट्टी घड़े की क्या है? उपादान। और कुम्हार स्वयं तो घड़े रूप नहीं परिणमा, लेकिन घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप किस पे आएगा? कुम्हार पे। कुमार पे भी नहीं आएगा, कुमार के योग और उपयोग पे। तो कुमार का योग और उपयोग घड़े रूप कार्य का निमित्त करता है, और कुमार वो जो घड़ा है उस घड़े का उपादान करता मिट्टी स्वयं। ऐसे हर एक द्रव्य में लगा लेना, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय स्वयं से उत्पन्न करता है, इसलिए वो स्वयं ही अपना उपादान कारण है। और जो भी उस समय में योग उसके अनुकूल निमित्त होते हैं, जो भी जिसकी भी उपस्थिति होती है उसको वहां पे निमित्त कहा जाता है। कर्म पे लगा रहे ना अपन, कि ऐसी चक्कर कर्म का है। जब जीव स्वयं स्वभाव रूप नहीं परिणमन करता, विभाव रूप परिणमन करता है जीव स्वयं, जब बाहरी सामग्री भी स्वयं उस रूप परिणमन करती है, तो कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। कर्म ने जबरदस्ती नहीं किया काम, जीव स्वयं विभाव रूप परिणमा है। जीव में स्वभाव रूप परिणमने की सामर्थ्य भी है और विभाव रूप परिणमने की भी सामर्थ्य है। तो जब ये जीव स्वभाव रूप नहीं परिणमता, विभाव रूप परिणमता है, तो कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। कर्म इसको जबरदस्ती विभाव रूप नहीं परिणमाता, कर्म केवल उपस्थित है, उसका उदय है, लेकिन विभाव इस जीव ने स्वयं नहीं किया है। जैसे नशा खुद को उत्पन्न हुआ है, पागल खुद ही हुआ है, तो चकवे चकवे खुद ही मिले हैं, उसी प्रकार इस जीव ने विभाव स्वयं नहीं किया है। लेकिन वो यदि विभाव बिना किसी पर के निमित्त से माने तो वो उसका स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। यदि कर्म के उदय के बिना ही यदि जीव विभाव कर रहा है अपने आप से, तो जो बिना पर के निमित्त से होता है वो जीव का स्वभाव कहा जाता है। तो कर्म के बिना जीव की यदि होवे तो जीव का स्वभाव हुआ, स्वभाव है नहीं। पर निमित्त के बिना जो उसका नाम स्वभाव है, पर निमित्त के बिना नहीं होते, होते हैं वो किसी न किसी उपाधि के सन्निकर्ष में। जैसे स्फटिक मणि लाल और काला हुआ है, तो हुआ लाल और काला, वो किसी न किसी लाल या काले बर्तन के अंदर रखने से लाल काला हुआ। तो इतना है कि वो लाल काला उसका स्वभाव नहीं है, एक बात।
दूसरा वो लाल काला भी पर्णमने की योग्यता उसके अंदर है। यदि उसमें लाल काला पर्णमने की योग्यता नहीं हो तो वो किसी बर्तन में रख दो नहीं होएगी। ऐसी भी मणियां होती है, नील मणि होती है, आप उसको हरे बर्तन में रख दो नहीं पर्णमेगी, उसका काम अलग है। नील मणि होती है, नील मणि को दूध में डाल दो पूरा दूध नीला दिखेगा, स्फटिक मणि को डाल दो दूध में कुछ नहीं होएगा, और दूसरी मणियों को डाल दो कुछ नहीं होगा, सबके अपने अपने काम है। तो वो स्फटिक मणि के निमित्त से दूध लाला, दूध क्या होएगा नीला हुआ, नील मणि के निमित्त से, स्फटिक मणि के निमित्त से नहीं हुआ। और स्फटिक नील मणि तो नील मणि को बाहर किसी का संयोग में रखो वो लाल काली नहीं हुई। स्फटिक मणि सफेद है तो लाल बर्तन में रखो तो लाल लाल दिखती है, काले बर्तन में रखो तो काली दिखती है, पीले बर्तन में रखो तो पीली दिखती है। तो लाल काली पीली वो खुद से हुई है कि लाल बर्तन ने उसको लाल कर दिया। अब हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, लाल बर्तन के संसर्ग में हुई है लेकिन हुई खुद से है, उसमें खुद में लाल रूप पड़ने की योग्यता है इसलिए हुई है वो। जिस मणि में नहीं होगी तो वो उसमें रखने के बाद भी नहीं होगी। नील मणि को रख दो आप लाल बर्तन में वो नीली दिखेगी, काले बर्तन में रख दो काली दिखेगी। स्फटिक मणि है ना स्वच्छ सफेद है, तो सफेद होने के कारण वो नीले में रखने से नीली दिखने लग जाती है, काले में रखो तो काली दिखती है। तो जीव में और पुद्गल में दोनों में स्वभाव रूप और विभाव रूप दोनों रूप पर्णमने की योग्यता, चार द्रव्य में विभाव रूप पर्णमने की योग्यता नहीं, केवल दो ही द्रव्यों में, किन में जीव में और पुद्गल। अब इसमें जो पुद्गल तो विभाव रूप भी पर्णम है तो उसका कोई बिगाड़ सुधार नहीं, लेकिन जीव विभाव रूप पर्णमता है तो जीव का बिगाड़। स्वभाव रूप पर्णम है तो आनंद अनंत ज्ञान दर्शन सुख में रहे, लेकिन स्वभाव रूप नहीं पर्णमता विभाव रूप पर्णमता है तो स्वयं ही दुखी होता है। अपने स्वभाव में रहे तो दुख का कोई काम नहीं, लेकिन अपने स्वभाव को छोड़कर ये स्वयं विभाव रूप पर्णमता है। जब विभाव रूप पर्णमता है तो हम कहते हैं कि ये बिना किसी परनिमित्त के नहीं पर्णमा है, वो परनिमित्त कौन है तो कर्म का उदय है। और इसकी सत्ता सब दर्शनों ने स्वीकार की, दुनिया में जितने भी दर्शन है वो सारे कर्म को किसी न किसी रूप में मानते हैं कि भैया जो काम करोगे उसका फल मिलेगा, भले का फल भला मिलता है, बुरे का फल बुरा मिलता है। वो किसी भले और किसी नाम से कहे, भाग्य के नाम से कहे, क्या चाहे संस्कार के नाम से कहे, लेकिन इसकी सत्ता कर्म की सत्ता लगभग सारे दर्शनों ने स्वीकार की। जो भी हिंदू दर्शन मतलब ये हिंदुस्तान के जो दर्शन है षट दर्शन ना, मीमांसक न्यायिक बौद्ध चार्वक चार्वाक वैशेषिक, लगभग सब लोग इसकी सत्ता स्वीकार करते। एक चार्वाक नहीं करता, चार्वाक तो कहता है कि कर्म नाम की चीज ही नहीं है। और लोक में भी अपन देखते हैं कि जितना भी इतनी विभिन्नता विचित्रताएं दिखाई दे रही है संसार में, तो बिना कर्म के ये संसार में इतनी विचित्रताएं क्यों है? किसी का ज्ञान बचपन से अधिक है, किसी का कम है, लेकिन नहीं है मोह की तीव्रता मंदता, किसी की आयु कम मिलती बचपन में मर जाता है अच्छा जीता है, कोई बचपन से प्रतिकूल परिस्थितियों को भोगता है, कोई अनुकूलता में रहता है। तो इन सबके अंदर कारण ना मूल कारण को ना कर्म का उदय। तो कर्म का उदय कितना जबरदस्ती नहीं कराता, बस बात ये समझने की कि वो कर्म स्वयं तो अपने आप में जड़ है अचेतन है, न तो वो जीव में व्याप्ता है न जीव में वो तन्मय होता है। तो व्याप्य व्यापक भाव से तो जीव को नहीं करता, तन्मय रूप से जीव को नहीं करता, और तन्मय रूप से नहीं करता तो इसलिए उसको जीव का कर्ता तो नहीं कहा जा सकता। तो कर्ता कौन है? तो ये जीव अपने विभाव का कर्ता स्वयं ही। ऐसे ये जो सामग्री का भी संयोग हुआ है तो सामग्री का संयोग भी सामग्री की स्वयं की योग्यता से हुआ है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बाहर का कोई ना कोई निमित्त उसके लिए होना चाहिए ना, पूर्ण का अपन ने कुछ बांधा हो कि बिना उसके हो रहा है ये सब काम, मतलब कोई ना कोई हेतु चाहिए। बिना हेतु के किसी को अच्छी सामग्री मिल रही है किसी को खोटी सामग्री मिल रही है तो उसका क्या हेतु? तो वो कहा कि पूर्वोपार्जित जो कर्म का उदय है वो उसमें निमित्त रूप से उपस्थित है, वो निमित्त कारण है। जैसे शराब पागल करने में निमित्त रूप से कारण है, आदमी खुद अपने आप से तो पागल नहीं हो रहा, वो यदि अपने आप से पागल होवे तो पागल बना उसका स्वभाव।
यदि बिना मोहन धूल के व्यक्ति पागल है, तो बिना मोहन धूल के यदि वो पागल ही है तो वो मतलब पागल ही रहेगा, फिर वो पागल बने का अभाव कैसे होगा। यदि पर के निमित्त से वो पागल हुआ है तो निमित्त मिटने पर वो स्वभाव रूपण होगा। यदि शराब से पागल हुआ है तो शराब उतर जाएगी तो अपने स्वभाव में आ जाएगा, और यदि वो कहे कि ये तो बिना शराब के ऐसे ही है तो ऐसे ही है, तो इसका कोई उपाय नहीं इसके नाश का। तो ऐसे जीव यदि बिना कर्म के उदय की विभाव रूपण में, तो उसके विभाव का कभी नाश हो सकता नहीं। इसलिए निमित्त निमित्तिक संबंध स्वीकार किया है कि सहज ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, वो ऐसे निमित्त निमित्तिक संबंध घने बन रहे हैं। ये दो तीन तो हमने आपको उदाहरण दिए, ऐसे जगत में कितने संबंध बन रहे हैं। सूर्य उदय होता है, इधर कमल खिलता है, क्या होता है कि नहीं होता। अपना योग और उपयोग उसके अंदर, बाई इच्छा करती है, हाथ पर चलाती है, आटा होता है वो रोटी रूप बन जाता है, सब्जी होती है बन जाती है, सीज जाती है। अपन हर चीज के अंदर, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि हर चीज में अपन जो है अपना सारा अपनी सारी दृष्टि का जाती है उस निमित्त के ऊपर, ये बाई ने ऐसी बनाई। अब बाई ने ऐसी बनाई कि तुम सब्जी बासी लेके आए तो सब्जी ऐसी बनी, जो उसमें जो मूल चीज है जो स्वयं सब्जी रूप बनी है उसका भी कोई योगदान है कि नहीं है, उसके अंदर हजारों कारण है। उसमें वो सब्जी जो डाली है वो है, उसमें जो मसाला डाला वो है, तेल है नहीं, अग्नि है, हजारों कारण है। लेकिन अब किसको कहे बुरा, एक ही जना मिलता है बुरा कहने का, तो सारा उसके फिर वो भी सुनाए थी तो सब्जी सस्ती लेके आओगे तो ऐसी चीज मिलेगी। हमारे परिचित थे, उनकी आदत थी, बोलो है ना, मैं तो अपने आप को सबसे दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति समझते थे, मैं तो शाम के टाइम जाता हूँ, इतनी सस्ती सब्जी मिलती, पता नहीं दुनिया सुबह सुबह क्यों जाती। क्या तो और तो कोई कुछ बोलता है ना, मैंने एक बार उनको बोली सच में, मैंने कहा तुम को सस्ती इसलिए मिल रही कि सब छठी छटाई है, मैंने कहा छठी छटाई सब्जी और तुम छठे छटाई जैसे लोगों के लिए वो सब्जी। और ये पत्नी को जो आरोप देना है कि ये बुरी बना रही है, स्वयं उसमें सब्जी भी कोई चीज है कि नहीं है। यदि वही सड़ जाए और वही बुरी हो तो कोई कुछ भी कर दे, वो खुद भी घुस जाए उसमें तो क्या करे वो सब। और सब्जी क्या हजार चीजें हैं, सब्जी के साथ में उसमें तेल भी डलता है, मिर्ची भी डलती है, मसाला भी डलता है, कोई भी एक भी चीज बासी हो तो कितने अच्छा हलवाई हो वो क्या करेगा। हम लोग के वहाँ पे एक बहुत अच्छा हलवाई बुलाया उधर, तो वो जो पानी था ना, पानी टंकी का पानी था, वो टंकी का पानी था, वो बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ, और उस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने, वो डाल दिया, हर आदमी के सब्जी में बदबू आए, और सब्जी में बदबू आए तो लोगों उसको तो समझे नहीं कि इसमें पानी का चक्कर है, क्या चक्कर है, और वो दुनिया भर की चीज़ों को इसको उसको सारे कारण ढूंढ लें कि ये होगा ये होगा ये होगा। मैंने कहा ये जो पानी है ना, ये पानी जहाँ से आ रहा है उसको देख लो कि वो कहाँ कहाँ है, एक बार उस पानी का जो स्रोत है ना, जहाँ ऊपर चढ़ के टंकी पे चढ़ के उसको देखो कि टंकी कितने दिनों में धुली भी है कि नहीं धुली। ये जितनी जो खासकर जो रसोईया बनती है ना, इन रसोइयों का जो पानी डलता है इसके अंदर, उनके जो कि जो टंकी है वो टंकी को आदमी पहले चढ़ के देखना चाहिए खाने के पहले कि जो पानी है ये पानी कैसा है, तो बहुत कुछ विरक्ति तो उसको यूं ही हो जाएगी। ऐसे कहां से कैसी इसकी सारा उसका जो द्रव्य आया है ना, जो उसका उपादान है वो कैसा है उसका, और जो निमित्त भी है वो भी कैसे, वो भी देख लो, वो वही बीड़ी पी रहा है, वही बना रहा है, वही पसीना भी है, उसके घर वाले भी है, और कौन से कपड़े हैं, ना कैसे उनके हाथ है, ना पैर है, और चलता है सबका। चलो जो भी है, मतलब वो तो निमित्त भी अशुद्ध है, उपादान भी अशुद्ध है उसके अंदर, लेकिन लोक में अपने सारा कर्तव्य जो है, जो उपस्थित हुआ जिसने योग और उपयोग किया, सारा कर्तव्य उस पे जाता है, उसका कारण भी है। देखो घड़े के अंदर मिट्टी तो खुद ही बोल रही है, मिट्टी का कण कण बोल रहा है कि मैंने अपना सर्वस्व समर्पण किया, क्या इसलिए उसको बताने की क्या जरूरत है, वो तो सिर चढ़ के यूं ही बोल रही है। जो जिसने अपना इच्छा और उपयोग दिया है उसमें, जिसने अपना योग और उपयोग दिया है,
कोई योग और उपयोग वाले को ही सारा क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि लाभ भी तो वही भोगेगा ना, उसका जल धारण और उसको बेचना और बेचने से होने वाले लाभ का भोगता कौन? वो कुमार। इसलिए सारा कर्तृत्व का आरोप उस पर आता है, कुमार पे। वो मिट्टी है तो बेचारी बिल्कुल गौण हो जाती है। वो मिट्टी तो कब याद आती है? जब उस घड़े में कोई छेद हो जाए, कि आपके घर में घड़ा था ना, तो कुछ तो पैसे मिल जाएंगे उसमें। ये साहब कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो घड़ा गाय का था, मिट्टी वाला घड़ा था ना, तो मिट्टी के घड़े में एक छेद होने के बाद में उस घड़े को कोई फटी फूटी कोड़ी के दाम पे भी नहीं लेने वाला। और यदि वही घड़ा और किसी धातु का हो, लोहे का हो, चांदी का हो और कदाचित सोने का ही हो, तो फिर उसमें एक क्या दस छेद भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लोग तो उसको देखेंगे कि भाई इसके अंदर धातु कौन सी है। सोना है तो अपना काम हो जाएगा उसमें, वो जब तक फूटा नहीं है तब तक सारा क्रेडिट उसको मिल रहा है। जब फूटा उसके बाद में कुछ नहीं, वो जो धातु जिसने अपना सर्वस्व दिया है काम वही आएगी, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। तो ये यहाँ तो अपन ये समझ रहे हैं जीव और कर्म के अंदर घटाया उन्होंने, तो जीव स्वयं विभाव रूप परिणमन करता है। ऐसे जीव में विभाव रूप परिणमन की सामर्थ्य है, यदि नहीं सामर्थ्य हो तो वो कर्म क्या कराए? यदि कर्म विभाव रूप परिणमन कराए सही, समझ लो चेतन होके, तो जीव की कभी मुक्ति भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कर्म का संबंध तो जीव के साथ में अनादि से है और इसका संबंध संसार अवस्था में सतत बना रहता है। रास्ता तो उसी में से निकालना है ना, जब कर्म का उदय हो और फिर भी जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन करे, विभाव रूप परिणमन न करे, अथवा विभाव में मंदता भी करे तो नया मंद बंधे, और ऐसे करते करते मंद होते होते उसको उसका अभाव होके उसकी मुक्ति हो जाए। रास्ता तो उसमें से ही निकालना पड़ेगा ना। यदि सतत कर्म का उदय होगा, जीव विभाव करेगा ही, तो फिर नए कर्म बंधेंगे, फिर विभाव करेगा, फिर विभाव करेगा, फिर नए कर्म बंधेंगे, फिर विभाव करेगा, तो वो तो संसार का कभी चक्र का अभाव ही नहीं होने वाला। लेकिन उस संसार चक्र का अभाव होता है, कैसे अभाव होता है? कि कर्म का उदय हो और जीव थोड़ी भी विभाव में कमी करे तो उस जाति का कर्म नहीं बंधेगा, कैसा जैसा पहले उसने बांधा था, और वैसा नहीं बंधा। एक बार भी मंदता हुई, इतनी भी मंदता को स्वीकार किया, तो वो मंद होते होते उत्तरोत्तर उसका अभाव किया जा सकता है, पुरुषार्थ करेगा। तो सामग्री का कैसे संयोग होता है वो? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि कर्म सामग्री का संयोग कराता है, ये उपचरित औपचारिक कथन है। वास्तव में सामग्री जो होती है तो उस सामग्री के निमित्त से जैसा अनुभव करता है तो वो आरोप उस सामग्री पे आता है। जैसे मकान है और मकान के निमित्त से अपन ने साता का अनुभव किया, तो ये कहा जाएगा कि साता के उदय से हमको मकान मिला। वास्तव में साता के उदय से मकान नहीं मिला, साता रूप हमने अनुभव किया, हमने अनुभव साता रूप किया तो हमारे साता वेदनी का उदय था। और आरोप किसी न किसी सामग्री के निमित्त से हम सुख का अनुभव करेंगे ना कोई तो कारण बनेगी उसमें। सुखी हुए कोई किसी वस्तु के संसर्ग से सुखी हुए, कोई को आधार बना के, किसी का विकल्प बना के, किसी को लक्ष्य करके, मकान का लक्ष्य करके सुखी हुए तो साता के उदय से मकान मिला। और वही मकान के लक्ष्य से अपन दुख का अनुभव करें तो अपने क्या कहा जाएगा कि असाता के उदय से मकान मिला। तो मकान तो वहीं का वहीं है, इसलिए मकान, ये मकान को भी साता असाता का उदय कहना कि साता असाता के उदय से मकान मिला है, ये वास्तव में औपचारिक कथन है, परमार्थ कथन नहीं। परमार्थ कथन तो ये कि जीव जैसा अनुभव करता है वास्तव में वैसा उदय है, है? नहीं, तो साता साता के अंदर घटाया, शरीर के अंदर तो जैसा उदय है वैसे ही है। भाई सामग्री सभी नहीं, शरीर का तो संयोग होता ही है ना, एक साता साता के अंदर ऐसा है। आयु कर्म के उदय से तो शरीर में रहना होता ही है, यदि वो आयु कर्म के उदय से गति जाति के निमित्त से शरीर का बनना है, ऊंच नीच गोत्र के उदय से, उसको तो बराबर घटेंगे। वो तो उसका जैसा उदय है तद अनुकूल उसको वैसा शरीर का प्राप्ति है, उसमें कोई बात नहीं, वो तो 100% बराबर है। भाई अपने को मनुष्य आयु मिली है, जितनी आयु मिली है उतने दिन तक शरीर में रहेंगे, ये निमित्त निमित्त के संबंध तो है ही, लोक में देख ही रहे ना। और मनुष्य गति का उदय है तो मनुष्य शरीर की निर्माण हुआ है, औदारिक शरीर का निर्माण हुआ। देव गति का उदय चालू हुआ तो वैक्रिक शरीर का निर्माण चालू हुआ। साता साता, वो साता साता के अंदर। बाकी ये जो गति आदि का निर्माण है, गति
जाति, शरीर, अंगोपांग, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अगुण, लघु, इन सब में तत्त्व योग, तत्त्व जो है जाति के कर्म का उदय निमित्त है। तो अपन ये तो बहुत साफ में दिख रहा है। तो यदि मनुष्य शरीर का उदय नहीं होता तो शरीर में नहीं टिकते, यहाँ से रवाना हो जाता। यदि औदारिक शरीर का उदय नहीं होता तो औदारिक शरीर नहीं मिलता, अंगोपांग नहीं होते तो अंगोपांग नहीं होते। स्पर्श रस गंध वर्ण जैसा उदय था उसका, उसके अनुकूल वैसा शरीर का स्पर्श मिला, वैसा रस है, वैसी गंध है, वैसी वर्ण। किसी के शरीर का रंग कैसा है, किसी के शरीर का रंग कैसा है, तो वो उसमें निमित्त है ना। मैंने उसका शरीर में, शरीर के अंदर उसका निमित्त निमित्त संबंध बराबर घटता है। तो जैसा आघाती कर्म का उदय है वैसे वैसे शरीर का संबंध जीव को, और उतनी आयु मिल रही है जैसे ही उसको ऊंच नीच गोत्र की प्राप्ति हो रही। इसलिए इसमें भी क्या है, दो प्रकार के कर्म है इसमें आघाती है भी। एक तो होता है जीव विपाकी और एक होता है पुद्गल विपाकी। तो जो पुद्गल विपाकी होते हैं उसका फल प्योर पुद्गल में ही आता है। जैसे ये शरीर नाम कर्म है तो शरीर नाम कर्म का उदय काय में, प्योर शरीर में। स्पर्श रस गंध वर्ण काय में उदय है, ये शरीर में है। और साता साता ये जीव में है, ये जीव विपाकी प्रकृति। आघाती कर्मों में दो प्रकार की है, जीव विपाकी उद्गल विपाकी, और घातिया कर्मों में सब सब जीव विपाकी है, सारी की सारी 100% जीव विपाकी है। उसका सारा फल जीव में ही आता है। और आघाती कर्मों में वो मतलब इनडायरेक्ट रूप से शरीर में आता है। यूं कहें कि अपन जीव विपाकी है उसका फल जीव में है, और पुद्गल विपाकी है उसका फल शरीर में। डायरेक्ट नहीं है वो जीव में, फिर उस जीव शरीर के अंदर राग द्वेष करें तो वो सुखी दुखी होएगा, बाकी डायरेक्ट उसमें जीव में नहीं आया उसका फल। सब प्रकार की प्रकृति। तो ये यहाँ निमित्त निमित्त, तो देखो अपन इस दूसरे पैराग्राफ की नीचे से तीसरे थर्ड लास्ट पैराग्राफ की पंक्ति फिर पढ़ते हैं। जब इन कर्मों का उदय काल हो उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप प्रणमन नहीं करता। स्वयं ही आत्मा, स्वयं में बल है, स्वयं ही स्वभाव रूप प्रणमन नहीं करता, विभाव रूप प्रणमन करता है। ये तो हो गया स्वभाव का घात होना। तथा जो अन्य द्रव्य है वे भी वैसे ही संबंध रूप होकर प्रणमित होते हैं, वो भी ऐसे ही निमित्त निमित्त संबंध। इधर इधर औदारिक शरीर का उदय चालू हुआ और अपने आप उसके योग के परमाणु का मिलना, क्या छिद्र रही शरीर का निर्माण होना, अंगोपांग का बनना, ये सब ऐसा बिल्कुल निमित्त निमित्त ऐसा जबरदस्त काम है कि अपने आप एक थोड़ी देर के अंदर पूरी पिक्चर तैयार हो जाती। व्यक्ति एक शरीर हो तो अंतर्मुहूर्त में पूरा देव का शरीर बन जाता, एक अंतर्मुहूर्त में। नारकी हो एक अंतर्मुहूर्त में शरीर बन जाता उसका। अब वो कौन याद रखे कितना कितना, मैंने कितना वैज्ञानिक उसका सारा काम काज है, कितना न्यायपूर्ण। जीव ने जैसी आयु बांधी तो यहाँ मरते ही अब अपने आप उस गति में चले जाएगा, उस गति के योग के शरीर को धारण कर लेगा। तो बराबर एक समय की भी देरी नहीं होगी कि चलो वो गति का तो उदय चालू हो गया और वो शरीर छुट्टी पे चला गया, तो हम गति में जाकर ढूंढे भैया शरीर कौन बनाएगा यहाँ। और शरीर जाने के बाद वो इंद्रियां, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, तो एकाध इंद्री बीच में हड़ताल में चली जाए तो बिल्कुल देव में जाएगा, तो पंचेंद्री जाति का उदय उसमें आ जाएगा। सब कुछ सारा बिल्कुल मतलब एक भी मशीन के एक भी पुर्जे की कमी नहीं होती, सारा इतना व्यवस्थित सारा काम काज है। ऐसा जबरदस्त निमित्त निमित्तिक संबंध है लोग। इसलिए दो उदाहरण तो यहाँ दिए उन्होंने, मोहन जैसे किसी पुरुष के शरीर पर मोहन धूल पड़ी है उससे पुरुष पागल हुआ, उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और चैतन्य बलवान बना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल से हुआ देखते हैं। वह मोहन धूल का तो निमित्त है, वो पुरुष क्या हुआ है स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त निमित्त लोक में बन रहा। अब देखो आगे चलते हैं, हो गया क्या चाहिए, जैसे ये पैराग्राफ और पढ़ लेता हूँ। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चक्रियों का संयोग होता है। अब सूर्य तो बेचारा अपना घूमता रहता है, उसको मालूम भी नहीं कि नीचे क्या क्या हो रहा है। बादल जो है अपने आप बरसते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम कि मेरे निमित्त से यहाँ बहुत लोगों में खुशी आ गई, और कहीं यहाँ जबरदस्ती हम बरस गए ज्यादा ही तो लोग दुखी हो रहे हैं। ये सब प्रकृति के सारे कार्य सहज होते हैं, और वहाँ
तो दिन में उनका चकवा चकवी का सहयोग होता है तो सूर्य कोई सोच के नहीं मिलाता, रात में किसी ने द्वेष से बलबजबरी करके अलग नहीं किए, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाएंगे, किसी ने किया नहीं। लेकिन ऐसा ही निमित्त सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त निमित्तिक बन रहा है। तो जैसे इनका निमित्त निमित्तिक संबंध बन रहा है, ऐसे ही जीव का और कर्मों का निमित्त संबंध निमित्त निमित्तिक संबंध बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त निमित्तिक भाव जानना, इस प्रकार कर्म के उदय से जीव की अवस्था हो रही है। अपन अब आगे पढ़ेंगे इसमें। ये तो अनादि बंध अपन ने विचार किया कि जीव को अनादि काल से कर्म बंध है, अनादि काल से तो समझ आया। लेकिन जो पुराना कर्म का संबंध है, जो भी जीव को पुराना कर्म की सत्ता है, वो तो उदय में आके खिर जाएगी। तो ऐसे पुराना कर्म उदय में आके खिर जाएगा तो जीव तो मोक्ष चले आए। लेकिन जीव जो है नए बांध लेता है। अब वो नवीन बंधता क्यों है? क्योंकि वहां जब नवीन बंध रहा है, यदि वहां नवीन बंधन न हो तो पुराने तो उदय में आके खिर जाएंगे, नवीन नहीं बंधेगा, और इस प्रकार जीव की मुक्ति संभव है। जीव का जो पुरुषार्थ है वो नवीन कर्म का बंधन न हो, ये पुरुषार्थ जीव कर सकता है। पुराना जो बांध लिया है, जो उदय में है, सत्ता में है, वो तो चलो जीव भोग रहा है, लेकिन इतना वो कर सकता है सबसे पहले कि वो नवीन कर्म के बंध का अभाव कर दे। यदि नवीन बंध का भी अभाव हो जाए उसके, तो संवर चालू हो गया उसके। अब जो पुराना स्टॉक में है उसकी निर्जरा हो सकती है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा उसके कि नया काम, मतलब नया परचेज उसके बंद हो। तो अपन ये पढ़ेंगे कि नया परचेज होता किस कारण से, नवीन कर्म का बंद क्यों होता है। क्योंकि जब तक नवीन कर्म का बंद नहीं मिटेगा, तब तक मुक्ति के मार्ग में एक कदम भी आगे जीव नहीं बढ़ेगा। अपन कल पढ़ेंगे इसको, नवीन बंद का कारण क्या।